नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं अमन बैलकुंग पढ़ता हूँ आप सभी दोस्तों का यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा बजीज पैरट की प्रोग्रेस। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है फर्स्ट क्लच के मैंने चिक्स जो अलग किए थे वो मैंने आप लोगों को दिखाए थे और वो मैंने सामने की तरफ रखे हुए हैं कॉलोनी के सामने ही। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर के चलते हैं आपको पहली मटकी की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो फीमेल जो बाहर आ चुकी है, एक फीमेल इधर से बाहर आ चुकी है और सब मटकियों में दोस्तों अंडे आ चुके हैं और मैं कहता हूं दोस्तों बच्चे भी ज्यादातर मटकियों में निकल आए होंगे। तो आइएगा दोस्तों लेकर के चलते हैं आपको मटकी की तरफ और देखते हैं किस मटकी में कितने अंडे और कितने बच्चे हैं। तो गाइस इसने जो है जब एग ले किए थे जब फीमेल के सारी फीमेलों के बच्चे थे, इतने ही बड़े बच्चे थे। तो ये आप देख सकते हो इसका एक बच्चा है और पांच अंडे हैं शायद। तो देखते हैं इनमें से ही बच्चे निकलते हैं या नहीं। इसने शायद से दोबारा से एग ले करने का नंबर लगा दिया है। तो आइए दोस्तों व्हाइट वाली मटकी के अंदर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक बच्चा जो है देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक बच्चा देखने को मिल रहा है और बाकी के अंडे जो है शायद से फीमेल के नीचे हैं। तो थोड़ा सा फीमेल को हटाते हैं और देखते हैं इसके नीचे कितने बच्चे हैं या फिर अंडे हैं। तो अंडे कितने बकाया हैं, कितने अंडों में से चिक्स निकल आए, तो आप लोगों को तो अपडेट में देता ही रहता हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो आइए दोस्तों हल्का सा फीमेल को हटाते हैं ताकि अंडे हों या फिर बच्चे हों वो डिस्टर्ब ना हों। तो दोस्तों आप देख सकते हो दो बच्चे हमें और देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि दो बच्चे और बाकी के तीन अंडे हैं। तो देखते हैं उनमें से भी कब तक बच्चे निकल आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ ये कॉर्नर वाली मटकी के अंदर। तो आइए इस मटकी में देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी फीमेल बैठी हुई है अपने अंडों पर और आइए इसको भी हल्का सा हटाते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे कितने अंडे हैं। दूसरे दोस्तों ये सेकंड क्लच है मैंने आपको, तो दोस्तों आप देख सकते हो इस फीमेल के जो है दो बच्चे और बाकी के तीन अंडे हैं। तो ये भी दोस्तों बाकी के अंडों में से बच्चे बहुत जल्द निकाल लेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मटकी के अंदर। तो आइए इसमें भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस इसके अंदर हमें शुरुआत से ही बच्चे दिखे, तो इसका मतलब ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों फीमेल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं आपको फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि इसके सारे बच्चे दिखा सकूं। चार बच्चे तो दोस्तों हमें इस समय दिख रहे हैं और बाकी के बच्चे इस फीमेल के नीचे हैं। तो आइए थोड़ा सा इस फीमेल को हटाते हैं, पर थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, पर कोई नहीं, आप लोगों के लिए सब चलता है। दोस्तों पांच बच्चे हैं फीमेल के और बाकी के अंडे हैं, अंडे नहीं देखने दे रही, कोई नहीं, आपने बच्चे देख लिए, यही मेरे लिए बहुत है। तो आइएगा मैं आपको अब इस वाली मटकी में दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर फीमेल बैठी हुई है और अंडा टूटा हुआ है और आपको बच्चा भी हल्का सा दिख ही रहा होगा। तो आइए इस फीमेल को थोड़ा सा हटाते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे भी कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों ये हटाया हमने मटकी का ढक्कन। तो आइए हल्का सा इस फीमेल को हटाएंगे और उसके बाद में देखेंगे। दोस्तों फीमेल जो बाहर निकल चुकी है। दोस्तों यहाँ पर भी हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है, पांच अंडे थे यहाँ पर, एक अंडे में से बच्चा निकल आया है और बाकी के चार अंडे बकाया हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन अंडों में से भी बहुत जल्द बच्चे निकल आएंगे। तो आइए दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी जो है ऊपर की लाइन चेक कराई थी और अब मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ ये नीचे वाली लाइन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे नीचे वाली लाइन के अंदर से। तो ये आप देख सकते हो फीमेल जो है अंदर बैठी हुई है, इसको भी हल्का सा हटाते हैं और देखते हैं इसके नीचे कितने बच्चे हैं या कितने अंडे हैं। तो गाइस हल्का सा हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर अंडे बहुत ही ज्यादा हैं। यहाँ पर अंडे गिनते हैं हम, तीन और तीन छः और छः और दो, आठ अंडे हैं दोस्तों। और यहाँ पर अंडों में से देखते हैं कितने अंडों में से यहाँ से बच्चे निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस मटकी की तरफ। ये आपको जो मटकी दिख रही है कॉर्नर में,
मैंने आपको बताया था इस वाली मटकी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये मटकी के अंदर अंडे आएंगे, पर दोस्तों यहाँ से भी काफी बच्चे पल के गए और बाकी के दोबारा से अंडे रख दिए फीमेल ने। दोस्तों यहाँ भी आपको काफी ज्यादा अंडे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी दोस्तों 8 अंडे हैं। ठीक है दोस्तों, 8 नहीं दोस्तों 9 अंडे हैं, एक अंडा फीमेल के नीचे और दिख रहा है मेरे को। कोई नहीं दोस्तों, बाद में फीमेल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, फीमेल ने खुद से अंडे दिखा दिए, इसका मतलब ये है कि फीमेल खुद से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। तो दोस्तों अब देखते हैं इस वाली मटकी के अंदर, तो इस वाली मटकी के अंदर दोस्तों 3 अंडे हमको नज़र आ रहे हैं और एक साइड में पड़ा है, साइड वाला साइड खराब हो गया, डेड एंड सेल बोलते हैं दोस्तों इसको। कोई नहीं, इस पर आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये भी फीमेल खुद से अंडे दिखा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके यही अंडे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी बजी स्पेरेट की प्रोग्रेस कैसी लगी। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों काफ़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, तो बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को जिन भाइयों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही कोई इसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।